आते हैं दो चार दिन से आए नहीं, लखनऊ होते कलकत्ता गए। ये नेताजी इसमें रुकते थे, नेताजी नुमाया था, ये वाला नेताजी नुमाया था। असली मोर है क्या? असली मोर है, नकली है? असली है, बुजो ऊपर बैठा है। और क्या? अच्छा ये हिला नहीं ना बहुत देर से। देखो ये देखिए भैया मोर, ये हाँ गर्दन चली चली चली, मुझे लगा कि बनवाया है मतलब। चलो भैया अंदर चलते हैं, यहाँ से अंदर दिखाते हैं आप लोगों को। अभी इसमें मौजूद समय पे कौन रहता है? अच्छा 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 और अखिलेश भैया? ये जनता से मिलने के लिए कुर्सी है। नेताजी की थी है? हाँ वो अखिलेश जी ने बनवाई थी अभी तोड़ के। नेताजी उसमें रखते थे। अच्छा देखो भाई ऐसे मिलते हैं जनता से, ये हॉल बना हुआ है। चलो आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल ये देखिए अखिलेश जी के, तो मतलब अखिलेश जी के बड़े भाई है ना? अखिलेश जी बड़े भाई के बेटे। तो वो एक्सपायर हो गए 2003 में ना? प्रमुख थे वो, पीलिया हो गया था। अखिलेश जी के जो बड़े भाई थे उनकी फोटो थी, 2003 में एक्सपायर हो गए थे। उन्हीं के बेटे हैं तेज प्रताप यादव, जो मैनपुरी के पूर्व सांसद हैं। उनको आपने केबिन में देखा होगा। वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख हैं अभी सैफई की। ये अखिलेश भैया का घर हो गया, यहाँ अखिलेश भैया रुकते हैं। ये पैक है एकदम, जब वो आते हैं तभी खुलेगा। तो अभी भी आते हैं तो अभी भी ही रुकते हैं? अच्छा अभी भी गंदा है इसलिए थोड़ा। ये आप देखोगे अमिताभ बच्चन, ये नेताजी की सरकार में बनाया गया था। और अमिताभ बच्चन जी ने यहाँ की जो पत्थर लगा देखो, आप मुख्यमंत्री थे तो आपने बनवाया था। और अमिताभ बच्चन जो बुलवाकर यहाँ का उद्घाटन किया था, वहीं के नाम पर स्कूल रखा गया है। और सामने जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये दिख रहा है, ये धर्मेंद्र भैया का अपना निवास है। अभी है भी अंदर, ये लगाया देखो। बंद हो गया है, और वैसे भी अंदर क्या था, कॉलेज तो कॉलेज ही होगा। ये भैया का अपना निजी है। और ये सामने भी जो है इसी का ही है, कॉलेज का ही, बच्चों के लिए बैठने बैठने के लिए, खेलने कूदने के लिए, सब चीज़ों के लिए अलग से एक और बना रखा है। ये देखो आप, लगातार लोग यहाँ पे आते रहते हैं, लगातार कोई ना कोई यहाँ आते रहेगा दिन भर। कितनी अच्छी चीज़ें नेताजी को मानने वालों के लिए। तो मेरे ना यार साके। अच्छा उस दिन जो हम लोग समाधि पे आए थे, जिस दिन बारिश हो रही थी हम लोग आए थे, ये समाधि दिख रही है, पूरी जाली दिख रही है ना। ये देखो, ये आपको मैंने दिखाया था ना कि यहाँ पे कोई नुमाइश टाइप, कोई मेला टाइप कुछ लगा हुआ था। तो ये भैया बता रहे हैं इनके यहाँ भी हमने कौन खाया है, ठीक है? तो भैया बता रहे हैं कि हर साल लगता है भैया, हर साल लगता है। इस बार छोटा लगा मारा है थोड़ा, इस बार छोटा हो गया था, प्राइवेट निवास है। अच्छा प्राइवेट था इसके बार, वरना वहाँ सामने वहाँ तक पूरा, और ये रोड पूरा है, और ये पूरा फील्ड, यहाँ झूले वूले लगते थे, और ये पूरी सब दुकानें, कम से कम 700 से 800 दुकानें यहाँ पे लगती हैं। उस दिन हम समझ नहीं पाए थे मतलब कैसे क्या है। फर्स्ट टाइम हमारे किसी से पूछा भी नहीं था,
अभी यहाँ भैया ने बताया, वो प्रधान जी देखो हमारे साथ में आए थे, ये खड़े हैं, और अभी ये क्लॉक टावर है, ये भी आपको भी घुमाएंगे, ठीक है, ये है, ये भी आपको पूरा भी घुमाएंगे जाकर, कैसा क्या सीन है का भी दिखाएंगे। तो मैं अभी भैया के घर पर हूँ, तो भैया से मुलाकात हो गई है, चलिए मैं आपको भैया से मिलवाता हूँ, और अभी आपको फिर आगे आपको दिखाते हैं कुछ और, चलिए भैया से मिलवाता हूँ आप लोगों को। जी नमस्कार भैया। नमस्कार साहू भाई, कैसे हैं भैया? मैं बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया भैया, धन्यवाद भैया। भैया बस आपसे ही आप मिल गए लिया। जी सदैव नेताजी की समाधि स्थल पर साइकिल से चल के आने का जी जो संकल्प लिया निश्चित तौर पे। नहीं भैया आपने उसमें मेरी बहुत मदद करी है। नहीं चलो वो तो हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। बिल्कुल आपने भैया बहुत अच्छे से मेरे ख्याल रखा, मैं जी बहुत कदर कर रहा हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके जज्बातों को कि आप नेताजी के सम्मान में इस तरह की यात्रा लेके निकले, मुझे खुशी है कि आप यहाँ तक इस तरह की यात्रा लेके आए। आगे भी भैया मैं यात्रा करता रहूँगा नेताजी के लिए, और आपकी यात्रा का भी असली मकसद तभी पूरा होगा जो नेताजी के बताए हुए रास्ते हैं, लोगों की सेवा की, खिदमत की, गरीबों की, नौजवानों की, मजलूमों की, जो सेवा के रास्ते दिखाए नेताजी ने हम नौजवानों को और हमारी पीढ़ी को, उन रास्तों पर हम लोग जितना आगे और बेहतर तरीके से चल सके, यही नेताजी के प्रति हमारा आपका सबका सच्चा सम्मान होगा, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुझे उम्मीद है कि आप जिस तरह से अपने इस जज्बे के साथ निकले हैं, निश्चित तौर पर नेताजी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। बिल्कुल भैया बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखो भाई लोग, रात में समाधि ऐसी लगती है, देखो ये लाइट लगी है गणेश जी ऊपर, ये देखो, ये देखो, और ये देखो साइकिल चल रही है, सेफ्टी में भी साइकिल चल रही है, देखो अपनी। अरे यार वो गाड़ी बहुत आगे पहुंच गई, क्रेटा, मुझे उसको फॉलो करना था। चलो वहाँ जाकर मिलते हैं, ठीक है, वहाँ जाकर बताता हूँ। तो यहाँ है, ये देखो, ये मैं पूरा दिखाऊंगा, ये जो क्लॉक टावर है ना, तो क्लॉक टावर से ही होते हुए इधर है, इसका रास्ता इधर पूरा साइड से हुआ है, ठीक है। तो यही है सेफी कैफे, यही है, ये पूरा बहुत बड़ा सा राउंड है, पूरे राउंड में एक मार्केट है, जैसे नोएडा में है ना, नोएडा दिल्ली वगैरह में है ना, उस टाइप से ये पूरा क्लॉक टावर है यहाँ पे। तो ये बहुत मस्त है यार यहाँ पे पूरा, अभी आपको एक ना पूरा दिखाऊंगा। तो मुझे धर्मेंद्र भैया ने भिजवाया है कि यहाँ जाकर आप अपना खाना वगैरह खाओ, उसके बाद फिर रुकना है, जो भी आपको बताता हूँ फिर तुम्हें बाद में। ये मार्केट किस टाइम बंद हो जाती है पूरी? मार्केट किस टाइम बंद हो जाती है? ये 10:30 बज के आप बंद ही हो जाएगी। 10:30 बज गया है, और ये है वो होटल, वो रेस्टोरेंट जो है, ये देखो है ना, सैफी कैफे, यही है देखो पूरा। अभी यहाँ हमने अपना खाना वाना खा लिया है, और अब यहाँ से अपना निकल रहे हैं, ठीक है। बाकी आज का जो हमारा वो धर्मेंद्र भैया की तरफ से था, सांसद जी की तरफ से, तो उन्होंने ही बोला था मुझे जाने के लिए, तो मैं आज यहाँ पर लंच हो गया। ये खड़ी है अपनी साइकिल, और ये देखो पूरा एक राउंड है, ये पूरा इस तरीके से यहाँ से ये है, और इधर पूरा इधर गया हुआ है, ठीक है। यहाँ से उठाते हैं अपनी साइकिल और आगे करते हैं कंटिन्यू। देखो सब बंद हो गया पूरा एकदम यार, सब अंधेरा अंधेरा एकदम पड़ा हुआ है। चलिए आगे चल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो हम लोग साइकिल पे घूम चलते चलते दिखाते हैं आपको किसान बाजार, अपना बाजार, ये जो नेता जी बनवाया, ये पूरा देखो मजबूत एकदम पक्का रोड पड़ा हुआ है, और ये देखो पूरा नेताजी थे तो यार बहुत माइंडेड आदमी। चलो यार हम लोग यहाँ आ भी नहीं पाते, बहुत मुश्किल होता मतलब रात में जिस तरह। तो भैया ने डिनर का प्लान यहाँ रख दिया मेरा, धर्मेंद्र भैया ने, तो इसकी वजह से यहाँ आ भी गए और आपको दिखा भी देंगे। मगर यार अंधेरा हो गया, इतना अंधेरा रहता नहीं है। चल लाइट टाइम भी तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई, कितना, अरे कैरियर आवाज़ कर रहा है अपना, अरे आ गया अंधेरा बहुत भैया। ये देखो भाई पूरा पक्का रोड है, देखो एकदम धड़ धड़ देख रहे हो, ये देखो क्लॉक टावर। ये देखो सैफई फीलिंग सेंटर,
इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, सैफई के अंदर पेट्रोल पंप भी है, मतलब पहला ऐसा गांव जहां पेट्रोल पंप है। देखो और वो देखो अपने योगी जी और मोदी इधर ही दिख रहे हैं, ये देखो दिख रहे हैं ना, कह रहे हैं शाबाश बेटा। ये देखो भाई कमाल है यार। अब यहाँ रोडवेज भी है, अभी रोडवेज जाकर आपको दिखाऊंगा मैं, और अभी यहाँ खड़े हैं और अब चलते हैं रोडवेज। ये देखो सैफई में रोडवेज, मगर यार अब वही है, मैं रात हो गई यहाँ पर, मुझे यहाँ दिन में आना चाहिए था, है ना, तब मैं और अच्छे दिखा पाता, मगर भाई लोग दिन में और भी काम था यार बहुत ज़्यादा, आज तो पूरा दिन घूमने में दिखाने में आप लोगों को रह गया। सैफई देखो रेलवे, रेलवे कह रहा हूँ, बस स्टैंड, बस स्टेशन देखो सैफई का। ये देखो चलो हम लोगों को बस से जाना है, तो पूछते हैं यार कि किस टाइम बस जाएगी, किस टाइम नहीं जाएगी। फिलहाल अब हम जा रहे हैं वापस अपने गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस वाले भी बोलते होंगे भैया रात के 11 बज गए कहाँ था ये, मगर चलो कोई बात नहीं, पहुँच तो मैं जाऊँगा ही, पास में ही हूँ। बस अड्डा दिखाना था आप लोगों को। अच्छा मुझे लगा था ना कि मैं आता नहीं है, हाँ एक तो दिखाने के लिए आना पड़ा, दूसरी बात मुझे लगा था कि मतलब हाईवे पे खड़ा हो जाऊँगा ना इस तरह रोड पर, है तो रोड पर खड़े होने से ही मतलब बस मिल जाएगी, मुझे ये लगा था। अरे वो रास्ता कहाँ गया था जहाँ से हम आए थे, अच्छा वो है, तो मतलब यहाँ तो प्रॉपर एक बना हुआ है, मतलब अपने बरेली या और कहीं बाहर की, भैया मुझे पता नहीं यार, गोल चक्कर। अब गोल चक्कर मैंने देखा भी होगा तो मुझे याद नहीं है यार, गोल चक्कर चौराहा ही होगा कोई, है ना। अब अपने को एक हफ्ता हो गया है, हाँ 6 दिन तो ही गए होंगे, हाँ हाँ 6-7 दिन हो गए, तो यार यहाँ ही यहीं है मतलब हम लोग, तो यहाँ से यार वापस जाते हैं अब, ठीक है। वैसे अगर ऑप्शन कल अगर रुक भी जाता हूँ मैं, तो मेरे पास और भी दिखाने के लिए बहुत कुछ है, मगर वही है मैं इसके लिए दोबारा वापस आऊँगा, जल्दी आऊँगा और जल्दी आप लोगों को नया और दिखाऊँगा, अच्छा दिखाऊँगा अपने तरीके से, ठीक है। और जिन भाइयों से मिले उन सबसे ही मिलेंगे आपकी बार फुर्सत से एकदम सबसे भाई, तो उस लिस्ट के हिसाब से ही मुझे ना काम करना है, तो फिर मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा और जल्दी उस पर सोच विचार शुरू करना पड़ेगा, और अपनी टीम में एक आध बंदा कोई ऐसा रहना पड़ेगा जो यूट्यूब करे, और थोड़ी जहाँ उसको सपोर्ट की जरूरत पड़े वहाँ मैं उसकी सपोर्ट करूँगा, और जहाँ मुझे पड़े वहाँ वो करे, तो इस तरह ना एक टीम ऐसी टीम बनाना पड़ेगी धीरे धीरे करके अपनी। तो चलो यार अभी खोज शुरू करेंगे यहाँ से जाने के बाद, वैसे तो ऑप्शन अपने पास बहुत हैं, मगर उन भाई लोगों से एक बार सर बात कर लें अच्छे से ना कि कैसा है कैसा नहीं, थोड़ा अच्छा रहता है, उसे कॉन्टैक्ट में शेयर कर सकता हूँ, कॉन्टेंट शेयर कर सकता हूँ और कुछ डिस्कस भी कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे करने के लिए, पर अभी क्या ना अकेले ही सब सोचता हूँ, ये वो एक्शन लेता हूँ एकदम ऐसा वैसा। अभी आना था धर्मेंद्र भैया बोले कि बता कर आते ये करते वो करते इस तरीके से, तो पूरे तरीके से हम आपको देखते सब कुछ होता, ये काम आपने प्लान बनाया, तो वही चीज़ तो मैं थोड़ा सोचा, मैं देखता हूँ, वरना अकेला तो हूँ काफ़ी, फिर भी मैं देखता हूँ एक बार अपना मोड़, ये नहीं है यही है। रात में पहचान में नहीं आ रहा है ना, देखो भाई इसमें कितनी भीड़ होती है ना दिन में, और देखो रात में एकदम कितना सन्नाटा, एकदम मज शांत पड़ा है सब। 3 दिन बाद इतनी साइकिल चलाई ना, तो लगा कि यार साइकिल चला रही बहुत यार, और उस टाइम लगातार 3-4 दिन चलाई तब इतना नहीं खला मुझे। भैया मेरा हॉर्न सुन लियो, देखो बहुत तेज है, तो
सुबह 6:30 बजे आना है भाई। हॉर्न सुन रहे आप हमारा, कितना वीआईपी हमारा हॉर्न है। चलो पहले मैं पानी की बोतल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अरे भैया गार्ड साहब ने बंद कर दिया। तो ये सारा सामान लिया है, 1-2 लीटर की पानी की बोतल। वो गार्ड साहब भी बोल रहे हैं यार कि मतलब जो है किस किस के सारा है मतलब पानी ना। ये देखो ये अपना डंडा पड़ा हुआ है, ये बहुत आवाज़ कर रहा था इस पर, ठीक है। ये अपनी लाइट की हल्की है वो ये। अरे भैया चार्ज है यार, वाओ देख रहे हो। चलो भैया ऊपर चलते हैं, डॉगी नहीं है यार, बच्चे उनके लिए बिस्कुट लेकर आए थे, एक उनका था एक मेरे लिए लाया था, बाकी पानी की बोतल 2 लीटर वाली। तो अब मैं यहाँ अंदर गेस्ट हाउस में पहुँच चुका हूँ और यहाँ अंदर आकर थोड़ा आराम मिला है मालूम है, वरना बहुत ठंडा मौसम है आज सच में। इतनी बाइक में ठंड लग रही थी दोपहर में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिर्फ बारिश ही हुई है और यहाँ तो मतलब कैफे में तो बारिश ही हुई है, वो भी खास नहीं, आसपास ओले पड़े हैं सुनने में आए हैं। बरेली मेरी फैमिली से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ तो ओले पड़े हैं यार, ये तो यहाँ उसकी वजह से ठंड बढ़ गई है मालूम है। ये देखो फैन चल रहा है इसमें दोनों, कोई आया हुआ हो सकता है, लाइट जल रही, कितना मस्त लग रहा है सारा। अरे यार वो रेड रेड देखो जल रहा है मेरे पेट पर, वो गाड़ी है जा रही है कोई, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब यार ये लाइट कहाँ से दिख रही है इसके अंदर, वैसे भी मैं यहाँ अकेला हूँ तो मेरी वैसे फटती है रात में यार। चलो धर्मेंद्र भैया बोल ही रहे थे कि रात में नहीं जाना सुबह जाना, ये वो उनकी बोली बात पूरी हो गई यार, मैं रात में जाना चाह रहा था मगर देखो सुबह ही हो गई। और ये देखो पानी की बोतल में लाया था एक, कितना पानी इसके अंदर बचा है, इतना था सिर्फ, ठीक है इसमें थोड़ा पानी है, बाकी ये बोतल अपने पास हो गई। फ़ोन करते हैं थोड़ा चार्ज, ठीक है पावर बैंक फुल हो गया, बहुत दिन भी हो गया इसका मतलब। चलिए अब अपना चेंज करते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे, तो सुबह आपसे मुलाकात होती है, अब चलते हैं क्योंकि टाइम भी शायद अच्छा खासा हो गया हुआ यार। ये देखो भाई 11:10 हो गया, 2 मिनट बाद हो जाएगा, ठीक है। तो भैया अब चलो करते हैं गुड नाइट और मिलते हैं सुबह, आज सुबह अपनी बहुत जल्दी होगी, वैसे 10-11 बजे से पहले नहीं हो रही, 11 बजे से तो पहले हो ही नहीं पा रही है, खैर अब जल्दी मॉर्निंग हो जाएगी यार सुबह। चलिए सुबह मिलते हैं, गुड नाइट।